आज का हमारा टॉपिक है नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा। ये लिखी है अकबर अलाहाबादी ने। हम इसका देखेंगे मुख्तसरन खुलासा। अकबर अलाहाबादी अपनी इस नज़्म में मुसलमानों की बेअमली को हदफ पे तनकीद बनाते हैं कि वो मज़हब की हिमायत में लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन जहाँ तक अमल का सवाल है वो मज़हब से बेजार व बेगाना है। वो मज़हब के लिए किसी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। ऐशो इशरत में पढ़कर अपने मज़हब को भुला बैठे हैं। वो अपने इस ख्याल की वजाहत एक फ़र्ज़ी लतीफ़े के ज़रिए करते हैं कि लैला की माँ ने मजनू से कहा, अगर तू मेहनत करके एमए पास कर ले तो मैं लैला की शादी तुझसे कर दूँ। मजनू ने ये सुनकर कहा, मेहनत व मशक्क़त मुझ जैसे आशिक की बस की बात नहीं। अगर लैला को हासिल करने के लिए यही शर्त ठहरी तो मैं लैला की मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए बखुशी तैयार हूँ। मुसलमानों का हाल भी बिल्कुल मजनू जैसा है कि वो दीन से मोहब्बत का ज़बानी दावा करते हैं, लेकिन जब अमल और कुर्बानी की बात आती है तो वो अपने दीन को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये था मुख्तसरन नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा के बारे में मालूमात, खुलासा कि लैला की माँ मजनू से कहती है कि अगर वो मेहनत करके एमए पास कर ले तो वो उसकी शादी लैला से करा देंगी, पर वो कहते हैं कि उससे अच्छा है कि मैं लैला से दस्तबरदार हो जाऊँ। तो इसी तरह वो यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों का हाल भी उसी तरह बताया है कि वो दीन के राह में कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं रहते, बल्कि दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको नज़्म का खुलासा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।